जयपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। दरअसल पुनीत गुप्ता बयान दर्ज कराने पहुंचे थाने और दूसरी बार बयान दर्ज कराने के लिए वो पहुंचे हैं। पुनीत गुप्ता वकील के साथ गोला बाजार थाने में पहुंचे हैं। पुनीत गुप्ता 6 मई को पुलिस के सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। पुनीत रिकॉर्ड देखकर जवाब देने की कही थी बात। और रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता अपने वकील के साथ पहुंचे हैं गोला बाजार थाना। दूसरी बार बयान दर्ज कराने के लिए पहुंचे पुनीत गुप्ता। पिछली बार 6 मई को पहुंचे थे, उस दिन पुलिस ने जो सवाल किए थे उनका सही जवाब वो नहीं दे पाए थे। रिकॉर्ड देखकर जवाब देने की उन्होंने बात कही थी, लिहाजा एक बार फिर से अपने वकील के साथ पुनीत गुप्ता पहुंचे हैं थाने और उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं। हालांकि पूरे स्पष्ट तौर पर पूरी जानकारी इस बात की नहीं लगी है कि क्या उन्होंने रिकॉर्ड दर्ज कराया है, क्या उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है, जल्द ही हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल बता दें बड़ी खबर, रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता जो उन पर केस चल रहा है उस मामले में उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया गया था, उनसे बयान दर्ज कराने थे। लिहाजा पिछली दफे जब वो नहीं पहुंच पाए थे और उसके बाद जब पहुंचे भी पिछली दफे तो उन्होंने कहा था कि वो पहले पूरे रिकॉर्ड देखेंगे और उसके बाद ही बयान दर्ज करा पाएंगे। लिहाजा आज वो पहुंचे हैं, अपने वकील के साथ पहुंचे और पुलिस को उन्होंने अपने बयान दर्ज कराए हैं तमाम रिकॉर्ड्स के साथ। और भाई